नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम करने वाले हैं अपनी महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव यानी कि 4x2 का एक टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। ये गाड़ी हमारी डीजल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, टॉप एंड वेरिएंट है और इसका आज हम टैंक फुल कराएंगे और गाड़ी को लेकर जाएंगे हाईवे के ऊपर। ये माइलेज टेस्ट कम्प्लीट होने वाला है हाईवे के ऊपर, तो टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट रहेगा जिसके अंदर जो बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट हैं वो आएंगे। जिस पेट्रोल पंप पे हम अभी आए हुए हैं, यहाँ से अभी डीजल टैंक फुल कराएंगे। इसका 45 लीटर का डीजल टैंक है और लगभग खाली है ये, रिजर्व में मान के चलो आप गाड़ी को, और उसके बाद इसको चलाएंगे। तो ये माइलेज टेस्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इतनी बड़ी और इतनी भारी जो गाड़ी है जो कि 1.5 लीटर के इंजन के साथ यहाँ पे महिंद्रा ने निकाली है, वो कितना माइलेज देती है ट्रू कंडीशंस में। एक बार मैं आपको ऑडोमीटर भी दिखा देता हूँ ताकि आप रीडिंग नोट कर लें। 1154 किलोमीटर गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है, आप देखिए। और ट्रिप ए जो है उसको मैं अभी यहाँ पे ज़ीरो करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को एक एक्चुअल आइडिया हो जाए कि गाड़ी हमारी कितने किलोमीटर चलाने के बाद हमने इसकी ट्रिप ज़ीरो करी है। तो ये आप रीडिंग नोट रखिए, 1154 किलोमीटर, 1154 किलोमीटर की। और देख सकते हैं आप फ्यूल सेल जो है वो बिल्कुल एक ही फ्यूल सेल यहाँ पे बचा हुआ है गाड़ी के अंदर, और जो लाइट है वो भी यहाँ पे ऑन हो रखी है। तो चलिए अभी टैंक फुल कराते हैं और आपको दिखाते हैं। तो डीजल टैंक हम फुल करा रहे हैं अपनी गाड़ी का, जो कि बिल्कुल एम्प्टी था, और अभी तक इसके अंदर 39.98 लीटर मतलब लगभग 40 लीटर के आसपास जो डीजल है वो आ चुका है। और मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए आप, डीजल कंप्लीट यहाँ पे गाड़ी के अंदर फुल हो चुका है। और हमारे मेरठ के अंदर यहाँ पे जो डीजल के प्राइस हैं वो हैं 89.49 रुपीज़ पर लीटर। 40 लीटर डीजल आया गाड़ी के अंदर 3580 रुपये के आसपास। आपके सिटी के अंदर जो डीजल के प्राइस हैं वो कितने हैं ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके। और आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं महिंद्रा थार 4x2 का हाईवे के ऊपर टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। तो अभी डीजल फुल हो चुका है और मैं आपको ओडोमीटर के अंदर जो है वो रीडिंग जो है अब दिखाता हूँ। फ्यूल सेल है वो यहाँ पे कंप्लीट फुल हो चुकी है गाड़ी के अंदर। टाइम वगैरह भी आप मैच कर सकते हैं, 2:40, 1154 पे यहाँ पे आपका ओडोमीटर है, ट्रिप ए गाड़ी की ज़ीरो है। तो अब गाड़ी को लेके चलेंगे हाईवे के ऊपर और मैं आपको यहाँ पे एक कंप्लीट टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट आर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बुडमो के बारे में। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है और उसका स्पेयर पार्ट मिलने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो अब टेंशन लेने की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों बुडमो पे आप घर बैठे कोई भी अपनी गाड़ी का स्पेयर पार्ट जो है वो मंगा सकते हैं। बुडमो की एप्लीकेशन आपको iOS एंड्रॉयड दोनों पे देखने को मिलेगी और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ऐसे बुडमो ओपन करेंगे, उसके बाद अपनी किस कंपनी की आपकी गाड़ी है वो सिलेक्ट करके, उसका वेरियंट सिलेक्ट करके, डीजल पेट्रोल सिलेक्ट करके, स्पेसिफिकली आप कोई भी पार्ट जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मंगा सकते हैं। और पार्ट आने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है उस पार्ट में, गाड़ी के अंदर फिट वो नहीं हो रहा है, तो आप उसको 10 दिन के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं। ये सभी फैसिलिटीज आपको बुडमो प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप जाके चेकआउट कीजिए बुडमो, और अगर कोई भी स्पेयर पार्ट आपको मंगाना है तो घर बैठे आप ऑर्डर कीजिए दोस्तों। तो टैंक यहाँ पे फुल हो चुका है और हम हैं इस टाइम मेरठ बाईपास पे, यानी कि जो रास्ता मेरठ से सीधा हरिद्वार की तरफ जा रहा है। और डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे आप देखिए 700 किलोमीटर है। और गाड़ी का जो एसी है वो कॉन्टिन्यूसली ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x2 हमारी गाड़ी है। तो अब हम इसको कंप्लीट यहाँ पे हाईवे के ऊपर चलाने वाले हैं, और जिस तरीके से हाईवे पे गाड़ी चलाई जाती है उसी तरीके से चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को हम प्यार से चलाएंगे, जहाँ पे जितनी स्पीड की लिमिट होगी इतनी स्पीड पर चलाएंगे, मतलब मोटा मोटा हिसाब किताब ये रहेगा कि गाड़ी 100 से नीचे तो क्या ही चलेगी। तो ये माइलेज टेस्ट एकदम बिल्कुल एक्यूरेट रेंज निकाल के देगा, जिससे हर किसी को आइडिया हो जाएगा थार 4x2 का। तो डिस्प्ले पे माइलेज निकल के आ चुका है यहाँ पे 15.1 किलोमीटर पर लीटर का। डिस्टेंस टू एम्प्टी अभी बढ़ रही है लगातार, क्योंकि हाईवे पे अब जैसे जैसे गाड़ी चलेगी और सिक्स गियर में चलेगी जितनी ज़्यादा, तो ये पहले थोड़ी सी बढ़ेगी। इस जर्नी के अंदर 50% जो जर्नी है उसमें हम गाड़ी के अंदर दो बंदे रहने वाले हैं, और 50% जर्नी के बाद इसमें हम तीन बंदे हो जाएंगे, और एसी इस पूरी जर्नी में यहाँ पे ऑन रहने वाला है। तो मैं आपको हर 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे बीच बीच में जो अपडेट्स हैं वो देता रहूँगा। अभी आप यहाँ पे देखिए गाड़ी हमारी 5 किलोमीटर कंप्लीट जो है वो ओडोमीटर में कवर कर चुकी है। तो ये माइलेज टेस्ट जो रहने वाला है ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा माइलेज टेस्ट रहेगा। इतना बड़ा माइलेज टेस्ट करके ही हमें एक्चुअल में पता चलता है कि ट्रू कंडीशंस क्या रहती हैं। तो दोस्तों ये देखें आप, यहाँ पे अभी माइलेज जो है वो बढ़ के हो चुका है 20.9 किलोमीटर पर लीटर का, और रेंज हो चुकी है 708 किलोमीटर, जिसमें कि हमारी जो गाड़ी की ट्रिप ए है वो आप देखें यहाँ पे
17 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं और स्पीड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 के आसपास गाड़ी की है, क्रूज हमने लगा रखा है गाड़ी के अंदर। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब आप गाड़ी को 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो 2000 RPM पे जो स्पीड है वो यहाँ पे निकल के आती है, और AC कंटिन्यूसली गाड़ी के ऑन है, दो बंदे हम बैठे हुए हैं और अभी गाड़ी को चला रहे हैं। तो ये माइलेज टेस्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रहा है, और देखिए जैसे ही गाड़ी को हमने अभी 100 पे पहुँचाया तो माइलेज ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो इस गाड़ी के साथ यही चीज़ है, ये तो खैर हर गाड़ी के साथ है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जो माइलेज है वो आपका गाड़ी का ड्रॉप होगा। बाकी एक्साइटेड हम भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों की तरह कि यार थार ले और वो माइलेज भी देने लगे, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि माइलेज किसको नहीं चाहिए। मतलब गाड़ी के अंदर टोरा का टोरा मिल जाए, रोड प्रेजेंस बहुत गजब की हो जाए और माइलेज भी आ जाए, तो ये हो जाती है सोने पे सुहागा वाली बात। बाकी अभी जिस रोड के ऊपर हम यहाँ पे हैं, वेदर देखिए आप, बेहतरीन वेदर हो रखा है और ग्रीनरी जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, अभी हमने यहाँ पे गाड़ी को जो है वो चला दिया है 32 किलोमीटर, और स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पीड जो है वो 100 की हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, और RPM भी आप देख सकते हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि माइलेज कितना दे रही है गाड़ी। तो MID के अंदर यहाँ पे दे रही है 20.2 किलोमीटर पर लीटर का, और रेंज बढ़ के हो चुकी है 726 किलोमीटर। 32-33 किलोमीटर गाड़ी को हमने चला भी लिया है, रेंज बढ़ चुकी है 25 किलोमीटर के आसपास। लगातार हम यहाँ पे गाड़ी को 100 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल नया हाईवे, अच्छी खासी रोड बनी हुई है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे गाड़ी जो है अपनी वो चला दी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, 58.2 किलोमीटर। तो आप क्लियर देख सकते हैं अभी फ्यूल की कोई भी जो सेल है वो ख़त्म नहीं हुई है, और गाड़ी ने जो माइलेज यहाँ पे निकाल रही है वो भी आप देखिए 19.6 का माइलेज निकाल रही है, और रेंज यहाँ पे अभी कम हो चुकी है, रेंज हो चुकी है 698 किलोमीटर की। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी यहाँ पे चल चुकी है 87 किलोमीटर, और ओडोमीटर की भी रीडिंग आप देख सकते हैं 1241 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है, और जो फ्यूल का सेल है वो अभी तक एक भी सेल यहाँ पे कम नहीं हुआ है गाड़ी के अंदर। तो पहला जो सेल है वो काफ़ी देर बाद गिरता है गाड़ी में, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो माइलेज है वो अभी दे रही है गाड़ी 19.7 का। तो अभी हम दोबारा से मेरठ बाईपास के पास जो है आ चुके हैं, और गाड़ी हमारी यहाँ पे चल चुकी है 100 किलोमीटर। एक बार मैं आपको रीडिंग भी दिखा देता हूँ, तो ये देखिए आप, ट्रिप ए हमारी 100 किलोमीटर हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है 1254 किलोमीटर, और 1154 किलोमीटर पे हमने शुरू करा था। अब माइलेज देखिए आप यहाँ पे 19.8 दिखा रही है, और रेंज दिखा रही है 685। जब हमने इसके अंदर डीजल फुल कराया था टैंक, तब रेंज थी 702 किलोमीटर की। अब क्योंकि हाईवे पे चल रहे हैं तो रेंज मुश्किल से 15 किलोमीटर के आसपास ही कम हुई है। तो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो लगभग 5-6 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आ जाएगा, फिर दोबारा से हम इसका डीजल टैंक यहाँ पे फुल कराएंगे अपनी गाड़ी का, और आपको कैलकुलेट करके बताएंगे जिसमें एक्चुअल कंडीशंस में क्या माइलेज निकल का है वो आपको पता चलेगा। तो इंतज़ार मुझे भी है, लेकिन देखते हैं कि गाड़ी माइलेज जो है वो सिटी में ज़्यादा देती है ये या हाईवे पे ज़्यादा देते हैं, सबसे मेन चीज़ वही है पता लगानी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पेट्रोल पंप पे हम पहुंच चुके हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी कंप्लीट हमने यहाँ पे चला दी है 104 किलोमीटर, ये देखिए आप, और कंप्लीट रीडिंग है ऑडियोमीटर की 1258 किलोमीटर, और टाइम भी देख लीजिए 4:47 PM यहाँ पे हो रहा है, लगभग 2:00 पर हमने शुरू करा था माइलेज टेस्ट। 19.9 किलोमीटर पर लीटर ये नोट करके रखिए, और अब टैंक भरवाते हैं चल के, और मैं दिखाता हूँ आपको कितना डीजल आया और 104 किलोमीटर चलाने के बाद कितने लीटर डीजल आया, और फिर कंप्लीट कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने आएगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं, सेम वही पेट्रोल पंप है और सेम वही नोज़ल है, पहले ऑटो कट तक फुल करवाएंगे। रीडिंग यहाँ पे 0 है, नोज़ल लग चुकी है, ठीक है शुरू करिए जी, पहले ऑटो कट कराएंगे दोस्तों, ऑटो कट होने के बाद फिर मैन्युअली फुल कराएंगे। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आता है, ऑटो कट काफ़ी जल्दी हो जाता है। अभी गाड़ी के अंदर 5 लीटर के आसपास डीजल आ चुका है, और ऑटो कट हो गया है 5.05 पे। अब मैन्युअली फुल कराएंगे, और मैन्युअली फुल करा के ही मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कितना डीजल गाड़ी के अंदर आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा वाइड एंगल ले लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ कवर हो गया ऊपर तक,
तो डीजल जितना पहले भरवाया था उतना ही डीजल अभी दोबारा से भरवाया है, और डीजल आया है 5.44। अब मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कि कितना माइलेज आया है। तो गाड़ी हमारी चली है 104 किलोमीटर, और 104 किलोमीटर चलाने के बाद 5.44। तो दोस्तों ये माइलेज निकल के आई है आपके सामने 19.11 की, और अंदर MID में जो माइलेज निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी 19.9 की। तो काफ़ी अच्छी खासी माइलेज जो है वो हाईवे के ऊपर यहाँ पे हमारी महिंद्रा थार 4x2 ने निकाली। आप देख सकते हैं 4x2 जो गाड़ी है उसके अंदर 4x4 की कोई भी रेंडिंग नहीं है, और काफ़ी अच्छा माइलेज निकाला है MID में हाईवे पे, और रियल लाइफ में कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो मेरा तो मन काफ़ी खुश हो गया इतना अच्छा खासा माइलेज देख के अपनी गाड़ी का, कि हाईवे के ऊपर थार जैसी इतनी वजनी गाड़ी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वेट है इतना अच्छा माइलेज निकाल रही है। और अगर आप इस गाड़ी का कर्व वेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और अगर आप सिटी टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो सब वीडियो भी अपलोड हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का एंड करते हैं, मस्त माइलेज दिया है गाड़ी ने, दिल खुश कर दिया। फिलहाल दोस्तों आप कमेंट करके बता दिए कैसी लगी आपको वीडियो, एंड करते हैं वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।